अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रामिश सईद। वेलकम टू रामिश सईद यूट्यूब चैनल। आजकल आपको पता है कि बुज़ुर्गों की तादाद वैसे ही कम रह गई है। पाकिस्तान के अंदर जो है उम्रें बहुत ज़्यादा कम है। 40-45 साल का बंदा जो है वो बहुत मुश्किल ही होता है जो ऊपर जाए, और जो हमारे पास बुज़ुर्ग हैं वो हमारा असासा हैं, और उनकी जितनी खिदमत हो सकती है हम पे ये फ़र्ज़ है कि हम वो करें। और उनके साथ बैठने से जो हमें चीज़ें सीखने को मिलती हैं, जो हमें हमारे माजी की चीज़ें जो हम नहीं जानते वो जानने को मिलती हैं, वो और ना हमें वो ना किसी किताब से मिल सकती हैं, ना किसी यूट्यूब वीडियो से मिल सकती है, ना कहीं और सोर्स से मिल सकती है। तो आज मेरे ही हमसाए हाजी फ़कीर अहमद साहब वो मेरे साथ बैठे हैं। इनकी एक तो इयादत करने आया था, इन्हें बुखार चढ़ा हुआ था और सोचा इनसे थोड़ी बातचीत हो जाए और आज आपको भी सुनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये कैसी तबीयत है आपकी? राजा एहसान है, अल्लाह का करम, और मैं ठीक तो है, कोई है भी थोड़ा बहुत कसर। अच्छा, वो बुखार चढ़ गया था तो अब कैसी तबीयत है? बुखार उतरा के अभी? अजय ठीक है, बिल्कुल ठीक नहीं होया मैं, अजय मैं ठीक आगे ना इससे ठीक हो गया। अच्छा, तो दवाई वगैरह लेते हैं कहीं से, डॉक्टर से? दवाई रचना जो है फौजी डॉक्टर। अच्छा, उनसे से दवाई लेंगे। अच्छा, उनसे दवाई लेते हैं। अच्छा, तो हाजी साहब बताएं कि माशाल्लाह उम्र कितनी है अब आपकी? उम्र 80 के करीब है, एक घट हो या दो घट 80 है। अच्छा माशाल्लाह, 80 साल इनकी उम्र है। और ये तकरीबन जब पाकिस्तान बना तो आपकी उम्र तब क्या थी? 3 साल कुछ महीने थी, ऊपर 4-5 महीने, 3 महीने होने। अच्छा, जब पाकिस्तान बना तो उम्र आपकी थी 3 साल 4-5 महीने, तो इतनी उम्र में तो आपको कुछ याद भी नहीं होगा? नहीं, कोई नहीं याद है, कोई इंडिया का कोई पता नहीं। इंडिया का कोई पता नहीं। तो उसके बाद फिर आपने अपनी कहाँ पे अपनी आमद की? आमद की अपने अबाई पिंड से चक नंबर 71 से, साडे दादे दे दो मरबे दे दो ना भाइयां दे। अच्छा, छोटे जे औलाद नहीं सी, बड़े जे साडे बाप रे सी, 3 भाई। अच्छा, ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਕਤਰੇ ਜੀ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ? ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੀ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਜੰਗਲੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ, ਲੰਦੇ ਵੀਰ ਚੜਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਬਾਈ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ? ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨੀ 'ਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਹਾਜੀ ਵੀ ਬੜਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਰਿਵਾਜ ਘੱਟ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ 5 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕਿੱਧਰੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਆਰਟਸ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਇੰਸ ਉਦੋਂ ਸਾਇੰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਪਤਾ ਸੀ ਸਾਇੰਸ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਆਰਟਸ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਓਂ ਤੋਂ ਕੀਤਾ? ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 72 ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ये माशाल्लाह जो है शाम को सपारा भी पढ़ाते हैं यहाँ पे, हमारे जो इलाके के कलोनी के बच्चे हैं उनको सपारा भी पढ़ाते हैं, और ये है कि इनका वक्त भी अच्छा गुजर जाता है। तो और कुछ बताएं ज़रा अपने बारे में कि शादी फिर कब की? पहले तो वक्तों में सुना था शादियाँ 15-16 साल की उम्र में हो जाती थी। 47 मेरी पैदाइश थी। अच्छा, 64 है, 25-24 जून मेरी शादी हो गई थी। अच्छा, तो माशाल्लाह कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे 2 बच्चियाँ। माशाल्लाह, अल्लाह सेहत दे। और क्या हालात हैं, कुछ आप जानते हैं करंट अफेयर्स के बारे में, जो मुल्की हालात के बारे में, कि इस टाइम कोई कौन वज़ीरे आज़म जा रहा है, महंगाई कहां तक पहुंची है? मैं नहीं करता, ना मैं कहीं कोई अखबार पढ़ा, ना मैं जंगल की टीवी, ना कोई लेना ना। तो वोट पाते हो कि नहीं पाते? वोट इंशाल्लाह पाने। वोट किनू पाते हो? वोट इस बार पाया इमरान नू। अच्छा, इमरान खान तो बड़ी लोगों गालां कढ़दी पई दुनिया कढ़े पई होने जी गाल ना कि आसमान अले सुकी मुँह से डिग नहीं है, गालां कढ़ेगा कोई अपने वास्ते है भी गालां कढ़दे रहन। इमरान खान तो पहले किन वोट पाया से? मेरा ख्याल आंदा इन पाया से नवाज शरीफ का। अच्छा, ख्याल आ के पक्का यकीन है? पक्का यकीन है। ते केड़ा बेहतर लग रहा दोनों चो? बल्ला आलम, मैनू बुढ़े बंदे नु की पता केड़ा बेहतर है केड़ा नहीं है। अच्छा अच्छा, तो एक होर गल जरा मैं दसो, जी आवाम नहीं जानती, जे मेरे वर्गे बंदे भी नहीं जानते, कि इस दौर के अंदर तो जो जवानी का दौर से, वो दौर के अंदर की फर्क है? साढ़े जवानी का दौर से अयूब खान का, मलिक मीर मोहम्मद गवर्नर से। अच्छा। बूटो वजीरे खारजा से, जिस जवान भी सा, बच्चे मैट्रिक भी की, वो दौर साढ़े वास्ते अच्छा सी,
खादा पानी बी जिमीदार रूह च लिया रंगा रंग का बी नहर कढ़ाइया अयूब ने सेमा कढ़ाइया अयूब ने जिमीदार बड़ी सहूलत दिखाई 60 रुपये खंड मिलती होंगी सी 60 रुपये किलो नहीं 60 रुपये बोरी सवा मन दे दुध की पास दुध से 8-9-10 रुपये दौर सब तो बेहतर रहा माशाल्लाह दौर से जी अयूब वर्गा ना आना ना आया अच्छा अयूब खान वर्गा ना दौर आना ना आया अच्छा उस तो बाद अयूब तो बाद केदा दौर चंगा सी अपना सी मुशर्रफ ने भी कोई जिम्मेदारां दे आके अच्छा सोचा नहीं तो किसी ने नहीं सोचा जो हूँ दौर जा रहा हूँ 2700 की यूरिया की खाद 10,000 की DAP है जिम्मेदारां दे आके कोई नहीं सोचा है किसी की भी नहीं सोचा अच्छा ये वो तजर्बा बता रहा है जो 80 साल तजर्बा है जमींदारी का और इन्होंने साफ साफ बताया कि अब जमींदारों के बारे में कोई नहीं सोचता इस वजह से कनक का रेट भी कहां से कहां पहुंचा हुआ है चीनी का रेट कहां से कहां पहुंचा हुआ है हर चीज़ जो जमींदारों को चाहिए सस्ते दाम में वो चीज़ महंगी है हाँ जी बिल्कुल महंगी है बल्कि खांड भी ले आने थले के कनक भी थले ले आने जो गरीब गुरबा से खाए ना बिल्कुल इसी तरह ही है इसी तरह 5% देने वाले 55 खाने वाले 100 बंद 5 देने वाले कनक या कमाल 95 खाने वाले इस चीज़ में ये बड़ी अच्छी उन्होंने बात की और बड़ी अनमोल बात है और डाल्टा तो यार 66 च नज़र सानू आया सी कश्मीर की दस दिन दिन उस कुछ होर ही आखते दसौरी उस तो पहले कि देसी घ्यो इस्तेमाल जैसे 3 रुपये 4 रुपये सेर होंगे किलो कोई ना होंगे अयूबी दौरे नहीं हूँ तो डालडा भी नहीं चलता होर भी उस तो भी बड़े सस्ते सस्ते आ गए लेकिन हूँ घ्यो भी 450 रुपये किलो हो गया आहो जी हूँ 1800 तो देसी घ्यो हो जाए पिंड देसी घ्यो तो सोने के भाव बिकता वा पता नहीं किसी के घर के अंदर चमची चमची पई होंगी होनी अल्लाह जाने पई कि नहीं पई अभी साढ़ा एक उस्ताद ही ताया से साढ़ा पढ़ा सी अच्छा जो मैं थोड़ी ताई में जान गया ना 17 रुपये मेरी तनखा से 17 रुपये थोड़ा सोना से वह भी तो दौर सी ना अच्छा हूँ घटो घट जो 20,000 बंदे की तनखाह वा जी गवर्नमेंट ने लाई है तो वो दौर नहीं कि 20,000 रुपये तोला ही सोना होए इदा का दौर होए ना कि जिनी तनखाह हो घटो घट बंदे की तो उन्ना ही तोले सोना क्यों टीचर सी ना साडा अच्छा वो आंदा सानू 10वीं च पढ़ाउंदा सी साहब अच्छा आंदा सी शुगर पै जांदा सी किसे किसे टाइम सियाणी उम्र दा सी आंदा सी वी मैं जदों तेरी साडी ताई नू आंदा सी गड्डियां दा सी मेरी ब्याह गया ना 17 रुपये तोला सी 17 रुपये जी मेरी तनखाह सी वक्त नहीं चंगा हूं तो चंगा हूं तो वह वक्त मुहब्बत का सी हूँ तो खाऊ खाऊ एक दूसरे कहते भी खा लीए इसे तरह ही है गल तो बिल्कुल थोड़ी सही है बड़ा अच्छा लगा है गल करके और उम्मीद है कि हूँ थोड़ी तबीयत भी थोड़ी बेहतर हुई है ठीक है तो अल्लाह तुहानू सेहत दे तंदुरुस्ती दे तो दुआ करें इन सब के आप सब इनकी सेहत के लिए अल्लाह इनको सेहत तंदुरुस्ती दे और इनकी जो तबीयत ख़राब हुई हुई है वो जल्द अज जल्द ठीक हो जाए और अल्लाह इन्हें मज़ीद लंबी उम्र दे आमीन जज़ाकअल्लाह अस्सलामु अलैकुम।